करके सरकार से यहाँ कहल चाहे छे रहे के लिए जगह नहीं छे। दस परिवार छे, कभी दू कट्ठा एक कट्ठा छे जगह, पानी निकाले के निकासी के दौर नहीं छे, कल गलबे छे, नाला बनेलकै जे दिन से नाला बनले नाला एक महीना भी सही नहीं। नल जल योजना का जो है सरकारी लाभ जो है किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग उठा रहे हैं आप खुद देखिए और खुद इस पे मतलब कि चर्चा कीजिए। और ये देख सकते हैं जहाँ पे नल लगना चाहिए वहाँ पे लकड़ी ठूसते हैं। नाला नहीं बना दल पानी आबे बह जाए रोड पर हमरा बहुत दिक्कत कहना उचित है। जब से यह नाला बना है सिर्फ नाम का नाला बन के रह जाता है बिहार में, खास करके हम इस गांव की समस्या नहीं बता रहे हैं, ये पूरे बिहार की ये समस्या है। नल जल योजना जो यहां पे आपको दिख रहा होगा उससे पानी ये भर जाता है और यहां पे देख सकते हैं कितनी गंदगी आपको, और इस सड़क पे नाला है, इसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पे नाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा और अब भी आप देख रहे प्रमुख भारत, और इस वक्त मौजूद है हम झिटकिया कलोथा वार्ड संख्या 5 में और यह मधेपुरा जिला में पड़ता है। और अभी आपको हम नाला की स्थिति दिखाएंगे, ये देख सकते हैं अभी हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पे नीचे फोकस किया इस जगह ना नाला है। चलिए आपको नाला का छोटा सा एक नमूना दिखाते हैं और ये देख सकते हैं यहाँ तक तो नाला बना हुआ है, ये देख सकते हैं यहाँ तक ये नाला बना हुआ है। हालांकि ये इधर जो आप नाला देख रहे हैं, इधर जो आप नाला देख रहे हैं इधर से यहाँ तक नाला मतलब कि आपको दिख नहीं होगा। सरकार से यह कहना चाहता हूँ यहाँ तक तो कहीं कहीं पे इंजीनियर क्या करते हैं ऊंचे नाला बना देते हैं, कहीं कहीं पे इतना मतलब कि गड्ढे जगह पे नाला बना देते हैं जिसका पानी निकासी नहीं हो पाता है। इन लोगों का समस्या यहाँ पे अभी थोड़ी सी भी पानी होता है तो यहाँ पे जम जाता है। क्या नाम है चाची आपका, इधर आइए, क्या नाम है? कला देवी। कला देवी, क्या दिक्कत होती है यहाँ? देखे ना चाचे नाला नहीं बना दल पानी आबे बह जाए रोड पर हमरा बहुत दिक्कत छे रहियो के बाहरो जाए के और कोनो चीज करे के। अभी जानते हैं अभी मतलब कि बारिश का मौसम मतलब कि स्टार्ट ही होने वाला है अभी, हालांकि बारिश अभी नहीं हो रहा है लेकिन थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे बारिश होता है तो यहाँ पे ढेर सारा। लेकिन आपको हम एक चीज और दिखाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको नल जल योजना जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उससे पानी ये भर जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी गंदगी आपको, और इस सड़क पे नाला है, इसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पे नाला है। इधर ये चाची की कहल चाहे छी अहाँ? यह सर रोटे पेरान बनबे खातिर नाला ना हमरा के विकास करे के लिए, हमरा के पानी राखे के जगह नहीं छे, ई पानी बनना चाहिए जे ई निकास होना चाहिए, रहे वाला जगह नहीं छे, वर्षा है छे तो पानी भर जाए छे, अखनियो कलो के दिक्कत छे जे कि पानी छे ई भर रहल छे नहीं भर रहल छे, जमरा सब कुछ रहे छे, हमरा के केना रहबे, कोई ने देखे ला आबे छे ते केना रहबे हमरा। तो एक और चाची है उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, की कह चाची हां? हमरा ना आब के बोले की कहल अहाँ के रहे की कहल हमरा आर के रहे ल नै छै बस। अच्छा, रहियो ल नै छै? नै। की कहल चाहे छी सरकार से? की चाहे छी हमरा के जमीन चाहे छी रहे ल आ दै ल रहबे कते आ अथी पानी के निकास नै छै कते रहे वाला अठिन से हमरा के लोग बोलबै छै लोक में छी बोलबै छै। अच्छा हां, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर है। आप रोड की नाला की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पे जल जमाव जो है किस तरह से लगा हुआ है। मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अगर इस तरह की पंचायत में समस्या आ रहा है मुखिया जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ आप अपने पंचायत में कम से कम इस तरह की जो समस्या आ रहा है इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें ताकि जो लोग हैं जो ग्रामीण हैं उसको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए जहाँ तक विकास की बात होती है जी। तो जैसे कि निचले स्तर के जो भी कार्यकर्ता होते हैं जी। या अफसरशाही होते हैं जी। उसी के वजह से ये विकास सही ढंग से नहीं हो पा रही है। हम लोग सरकार से डायरेक्ट मांग करेंगे और सरकार तक पहुंचने की ही प्रयास करेंगे खुद कि जो समस्या है इस गरीब लोगों के साथ जी। उसको निपटाने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं आगे में यह नाला जब से बना है जी। तो यह नाला कभी भी चालू नहीं हुआ है, सब दिन यह बंद है। देख सकते हैं यहाँ पे जो नाला बना गया बात भी कहना उचित है, जब से यह नाला बना है सिर्फ नाम का नाला बन के रह जाता है बिहार में, खास करके हम इस गांव की समस्या नहीं बता रहे हैं, ये पूरे बिहार की यह समस्या है, सिर्फ नाला नाम के लिए है लेकिन नाला में पानी कभी भी की कहलिए
ए देखियो ना साफ बेघर छे हमरा आर के नल दिखाइए नाला देखिए ना और ये जल नल योजना का देख सकते हैं उसमें टोटी भी नहीं लगा हुआ है। इस पे हम कई बार चर्चा उठा चुके हैं, आपने कई मेरा वीडियो भी देखा होगा, ये देख सकते हैं ये नल जल योजना का जो है सरकारी लाभ जो है किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग उठा रहे हैं, आप खुद देखिए और खुद इस पे मतलब की चर्चा कीजिए। और ये देख सकते हैं जहाँ पे नल लगना चाहिए वहाँ पे लकड़ी ठूसते हैं जी। क्या कहें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जैसे विकास की बात होती है सरकार का जी, सरकार हर एक तत्व पर विकास करने के लिए सक्षम रहते हैं जी। निचले स्तर का लोग जो है जो कि हम बताएं कि जैसे कि अफसरशाही हुआ निचले स्तर का जी। सरकार कहती है कि हम भूमिहीन महादलित एससी एसटी सब कुछ वहां बैठ करके करते हैं, मगर देखिए ऐसी परिवार में एक एक घर में कम से कम 10 परिवार रह चुके हैं जिसके एक कल गलाने का एक चापाकल का जगह नहीं है जी। जो कि इसको पहले तो जमीन मुहैया कराना चाहिए कि उसके बाद जब तक जमीन मुहैया नहीं होंगे ये ऐसी ऐसी समाज में जैसे गरीब समाज में जैसे कि हरिजन समाज में तो मान के चलिए इनको कभी लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे कि आप पुनर्वास जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम अपना प्रधानमंत्री आवास योजना से पैसा देंगे, हमारे पास जमीन नहीं है तो हमको नहीं देगा, नाम काट देगा। तो पहले तो जो चीज का जरूरी है समाज में या मान के चलिए गरीब तत्व के आदमी में पहले वह चीज सरकार को अवेलेबल करना चाहिए। और जब अवेलेबल सरकार तो कह रही कि हर ढंग से हर एक चीज पर बिंदु पर विचार विमर्श करते हुए कि सरकार कह रहे हैं कि आप पुनः दो जी। जैसे कि आपको सीओ साहब हो गए उसके हम बताएं कि निचले स्तर का जो भी पदाधिकारी है वह बलगलाने में लगा हुआ है, ऐसी नहीं होना चाहिए। हम लोग डायरेक्ट 2024 का आगे में चुनाव भी है जी। तो हम तो डायरेक्ट जैसे कि अभी हम दो प्रखंड के बॉर्डर पर हम रुके हुए हैं, आपको इधर आ गया मुरलीगंज, इधर हो गया ग्वालपारा मधेपुरा जिला में जी। तो हम लोग यह प्रस्ताव बना रहे हैं कि जिस बॉर्डर पर हम प्रखंड के बॉर्डर पर आ रहे हैं कि अब की बार 2024 के चुनाव में यदि सरकार हम लोगों ऐसी कोटा जो समाज में दिक्कत है यदि उस समाधान नहीं होगा तो हम लोग एक तो वोट कटवा पार्टी को वोट ही नहीं करेंगे। अब की बार जो वोट कटवा है सरकार में जो लड़ने के लिए आते हैं उसको तो 1% वोट नहीं मिलेगा, या हम नहीं कहते पूरा समाज से आप पूछ सकते हैं। हम लोग ओनली आरजेडी को वोट करेंगे, गठबंधन को वोट करेंगे। गठबंधन की सरकार हर एक तत्व पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, निचले स्तर के लोग इस पर बार्गेनिंग करने के काम करते हैं, मगर निचले स्तर के लोग को हम लोग छोड़ करके अब सरकार तक जाने का खुद प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और मैं कहना चाहूंगा खास करके सरकार से, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का सरकार हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें उससे कोई दुश्मनी नहीं है, बट लेकिन इस जो रोड की समस्या है, जो गली की समस्या है, जो नली की समस्या है, जो पानी की समस्या है, उस समस्याओं का समाधान करे। और इन लोगों का जो गरीब लोग हैं कहीं ना कहीं इन लोगों का जमीन भी उतना नहीं है जाके मतलब कि अच्छी जगह घर बना सके, अच्छे घर में रह सके। और ये देख सकते हैं ये एससी एसटी का मतलब कि बस्ती है और देख सकते हैं कितने परेशानी कितने कठिनाइयां का सामना ये लोग कर रहे हैं। और क्या कहल चाहे छे, की कहल चाहे छे, हमरा के सरकार से यह कहल चाहे छे रहे के लिए जगह नहीं छे, 10 परिवार छे, कभी दिकटा एक कठा छे जगह, पानी निकाले के निकासी के दौर नहीं छे, कल गलबे छे, नाला बनल के जे दिन से नाला बनले नाला एक महीना भी सही नहीं चल रही है, एक महीना नहीं सही चल रही, सब दिन वहना कोई तोड़ दल के कच्चा काम, कच्ची काम भले तो टूट गले, कच्ची काम भले कतो एक गाड़ी छकरा गले सकते टूट गले भर गले सब। और इस कच्ची काम के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या इस तरह की सरकार जो कच्ची काम करवा रहे हैं कहीं ना कहीं भ्रष्ट, ये कहीं ना कहीं ये जो नाला आप देख रहे हैं ये भ्रष्टाचार का जो ये भेंट चढ़ गया है, और उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो नली गली और पानी का जो ये जो योजना चल रहा है और आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।